राजेंद्र नगर पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 25 मोबाइल किए गए बरामद। इंदौर पुलिस लगातार बढ़ती हुई चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चुराए गए 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी है, जिसके चलते वह मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस ने अपने खुफिया जवानों को उनकी तलाश में लगा रखा था। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी राकेश मोरे को पकड़ा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मोबाइल चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। तलाशी लेने पर राकेश के पास 14 मोबाइल बरामद किए गए, जिसने बताया कि वह अपने साथी आकाश बर्मन के साथ मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देता था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी के पास से कुल 25 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह बदमाश मोबाइल चोरी करके कम कीमत में बेच दिया करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी है, जिसके चलते वह मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सर, चोरी के मोबाइल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कहाँ से क्या है, कितने मोबाइल बरामद हुए हैं? सर, थाना राजेंद्र नगर के अंतर्गत पुलिस द्वारा एक मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ये लोग थाना राजेंद्र नगर और राऊ के आसपास वाले भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं, जैसे चौथरा मंडी और अन्य जगह, ये लोग लोगों के मोबाइल निकालते थे और उसके बाद में ये मोबाइलों को बेचने का कार्य किया करते थे। ये मोबाइल चोरी के बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए इस संबंध में हर थाने में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा ये कार्यवाही की गई है। पलसुद राम फेरी ग्रुप के आह्वान पर मातृशक्ति ने निकाली प्रभात फेरी। पलसुद में राम फेरी ग्रुप के द्वारा नगर में मातृशक्ति के साथ निकाली गई प्रभात फेरी, जहां श्री राम टोली के द्वारा पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी कर स्वल्पाहार के रूप में रसगुल्ले का किया गया वितरण। वहीं प्रभात फेरी के गिरी जायसवाल ने बताया कि प्रभात फेरी श्रावण माह में हर साल निकाली जाती है, जो कि सुबह 5 बजे से पिपलेश्वर महादेव मंदिर से निकालकर पूरे नगर में भजन कीर्तन कर वापस वहीं पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर पहुँचती है। आरती करने के पश्चात रैली का समापन होता है और बताया कि देश में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहे, यही कामना करते हैं। वहीं मातृशक्ति की श्वेता जायसवाल ने बताया कि श्री राम फेरी के आह्वान पर हम मातृशक्ति प्रभात फेरी में शामिल हुए और भजनों पर नाचते झूमते हुए पूरे नगर में प्रभात फेरी के साथ घूमने और नगर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, यही कामना की गई है। ये प्रति वर्ष श्रावण के महीने में सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी श्री राम फेरी के नाम से पलसुद में निकलती है, जो नगर के विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए और ईश्वर का नाम लेते हुए पिपलेश्वर महादेव से शुरू होकर वापस पिपलेश्वर महादेव में खत्म होती है। सेगांव 28 अगस्त को सेगांव में निकलने वाले विशाल शिवडोले को लेकर ग्राम पंचायत में पुलिस विभाग द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बैठक में समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से शिवडोला निकालने के लिए समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। वहीं प्रभारी तहसीलदार व पुलिस प्रशासन द्वारा डोले को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 28 अगस्त को आगामी शिवडोला का आयोजन ग्राम सेगांव के में आयोजनकर्ता द्वारा आयोजित किया गया है। इस संबंध में ग्रामवासी आयोजनकर्ता एवं डीजे संचालकों को बुलाकर मीटिंग दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि यहां पर 6 डीजे और 1 शिवडोला रहेगा और करीब 10-15 हज़ार आम जनता आने की संभावना है। पार्टी नगर के समीप बूदी में संचालित सीमेंट सरिये के दुकानदार से फ्रॉड ने बुधवार को 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित पप्पू वर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दुकानदार पप्पू वर्मा ने बताया कि मोबाइल नंबर 9209036692 से किसी ने कॉल कर कहा कि 50 बैग सीमेंट ITI कॉलेज के पास भेज दें, वहीं पेमेंट कर दूंगा। इस कारण सीमेंट लेकर वहां पर पहुंचा और उस नंबर पर कॉल किया तो कहने लगा, मैं सर के नंबर दे रहा हूं, उनसे बात कर लो, सीमेंट का पेमेंट डाल देंगे। जब उस नंबर पर कॉल किया तो उसने कहा कि QR कोड भेज रहा हूं, स्कैन करने के बाद आपके खाते में 19,200 रुपये आ जाएंगे। तो QR कोड से स्कैन करने पर मेरे खाते में 1 रुपया आया। उसके बाद उसने कहा कि मैं दूसरा QR कोड भेज रहा हूं, उस पर 20,000 रुपये कर दो तो तुम्हारे खाते में सीमेंट का पेमेंट आ जाएगा।
इस तरह फोन पे से 3 बार में 1 लाख रुपए उसके मोबाइल नंबर पर फोन पे से ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद सीमेंट सहित ट्रांसफर किए गए रुपए वापस मांगने पर नहीं दिए। संदेह होने पर तो तत्काल थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराइए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर बैंक पहुंचकर इसकी सूचना देकर खाते को बंद कराया गया है। मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि पार्टी में ITI कॉलेज के यहाँ कोई ठेकेदार है और खोजी करके ने मतलब फोन लगाया था कि सीमेंट डालना है वहाँ और पेमेंट तुमको अकाउंट में करेंगे हम, और सीमेंट हम लेके गए तो उन्होंने बोला कि अभी मैं बाहर हूँ ऑफिस में हूँ करके ना, और अभी भी उनका मोबाइल चालू है और फोन उठा रहे हैं और अभी भी बोल रहे कि पेमेंट 20,000 और अकाउंट बराबर करो उसके बाद पेमेंट आपका डलेगा। आपसे कितना पेमेंट डलवाया है? मेरे से 3 बार पेमेंट डलवाया, 20,000, 1, 40,000 और 39,999, 1 लाख रुपए टोटल।